राम राम जी भाई, स्वागत है नए ब्लॉग में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज का मौसम देखिए क्या अल्टीमेट हो रहा है, और सुबह से ही हो रहा है, लेकिन आज का शुक्र है भगवान का कि आज धूप नहीं निकली है और बारिश वाला मौसम हो रहा है। कल रात को 1:30 बजे करीब बारिश स्टार्ट हुई थी, 4 बजे तक लगातार कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, तो थोड़ा मौसम ठंडा हो गया और अच्छा लग रहा है। अब ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है कि अभी 1-1.5 घंटे के अंदर बारिश पड़ जाएगी, क्योंकि बादल एकदम घने छा रखे हैं। तो आज शाम को ही शूट कर रहा हूँ ब्लॉग, टाइम हो रहा है 4 के अप्रॉक्स टाइम हो रहा है। तो प्यार सपोर्ट बना के रखें, 2-3 दिन से टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि पिछले ब्लॉग में पता था, मैंने आपको बताया था कि मेरे को जाना कहीं और था, लेकिन वहाँ से हो करके आ गए हैं और ट्रैवल का थोड़ा ब्लॉग नहीं बना पाए थे, रीज़न सिर्फ यही था। और इस ब्लॉग में बने रहें, प्यार सपोर्ट बना के रखें। तो बात के गाइस, हमारा फ्रिज ख़राब हो गया, ये देखिए ये ख़राब हो गया। शुक्र चीज़ का है कि हमारे पास दूसरा फ्रिज है, तो उससे थोड़ा राहत मिल जाती है। हमारी व्यवस्था तो ख़राब ही हो जाए, क्योंकि नल में जो पानी अब इस समय पता नहीं गाइस क्या इतना दूषित हो गया है, पानी बहुत ज़्यादा दूषित हो गया। तो समर का या सरकारी नल का ही पानी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो उसकी लेंथ होती है ना पाइप की, तो एकदम पूरा ज़मीन से पानी आता है। अब जैसे कि नल का ख़राब क्यों हो गया, जैसे कि चैम्बर वगैरह बन गए हैं, लेटरिन बाथरूम जो बन गए हैं, तो वो ज़मीन क्या करती है, उस पानी को ऑब्जर्व करती है। हमारे नल का जो लेंथ है कम से कम है ऐसे 15-20 फीट पर पानी है हमारे यहाँ के एरिया में, तो वो पानी इसलिए ख़राब है। और जो हमारी समर की लेंथ है वो है 150 फीट गहरी, तो बिल्कुल ही अंदर से पानी आता है, तो उसमें थोड़ी आयरन की क्वांटिटी कम होती है, एकदम प्योर पानी होता है। और यहाँ पानी रख दोगे ना अगर आधा घंटा, तो नल का पानी एकदम पीला सा हो जाता है, इतनी आयरन की और TDS की मात्रा हाई है उसके अंदर। तो कोई नहीं, ऐसी प्यार सपोर्ट बना के रखो। और लाइट थोड़ी हमारी ऐसी करती है, आ रही है जा रही है, क्योंकि अभी आ रही है, थोड़ा जिस फोन से ब्लॉग शूट कर रहा हूँ इसमें पड़ी है सिर्फ 10%। तो अभी वीडियो को कर देता हूँ पॉज और फ़ोन को लगा देता हूँ चार्जिंग पे, ताकि शाम का पूरा ब्लॉग हम कवर कर सकें। तो बनाइए प्यार सपोर्ट। सबसे पहले भाइयों देखिए मौसम कितना तगड़ा हो रहा है, और अल्टीमेट मैं तो 1-1.5 घंटे की बोल रहा था, लेकिन बारिश इस तरफ हुई नहीं, आधी सी चल रही थी, अभी अभी थोड़ा शांत हो गई है। और ये हमारा टॉमी है, जहाँ हम जाएंगे ना टॉमी वहीं हमारे पीछे पीछे आएगा। और ये देखिए सोनू त्रिपाठी कुछ कर रहा है, शायद इसकी छत टपक रही है बेचारे की, तो उस छत की मरम्मत कर रहा है ये। ओए शोर मत मचाओ। अच्छा लग रहा है वैसे, एक बात तो है, एक थंबनेल शूट कर लेते हैं इधर से, बहुत बढ़िया हो गया। और एक चीज़ तो है, कमेंट करके बताइएगा इसके आपके गांव में, आपकी सिटी में बारिश पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अल्टीमेट कल से ही बारिश हो रही है, कल से ही। और ये देखिए यहाँ पे अभी ग्रिल लगनी बाकी है, ग्रिल नहीं लगी है अभी, तो फ्रेम ही लगाया आगे का। ये देखिए यहाँ कांच वगैरह का फ्रेमिंग वगैरह लगेगा देखिए। और बाकी के शाम का देखिए बहुत अल्टीमेट व्यू होता है अपना, मज़ा आता छत में। ये देखिए ये चौहान साहब हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ और गाइस के वो पीछे देख रहे हो, वो दिखाता हूँ, ये पेड़ देख रहे हो ना, ये पीछे पेड़, ये खजूर के पेड़ हैं। तो मैं जाने की सोच रहा था, खजूर अभी पक गए हैं, लेकिन आज टाइम नहीं मिल पाया था बिल्कुल, किसी कारण कि काम इतना था जा ही नहीं पाए, लेकिन जाएंगे खजूर तोड़ के लेकर आएंगे, 4-5 गियर तोड़ के लेके आएंगे, टाइम मिला तो ब्लॉग भी बनाएंगे इसके ऊपर प्रॉपरली। हाँ कड़वे ना हो मेरे, मीठे ही हो मैं, मीठे ही मीठे मिलूंगे तुम, जहाँ देखा वो कहीं कारे कारे। अच्छा कारे कारे भी रंगे, तो बच्चे घूमते हैं वहाँ जंगलों में, दिखाता हूँ आपको जूम करके अगर कैमरे में कैप्चर हो रहे हैं तो। देखिए ये देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये पीले पीले से है ना, ये खजूर हैं। ये एक चीज़ देखिए, बकरी का बच्चा किस तरीके से दूध पिला देखिए, अल्टीमेट ही है। ओ तेरी, ये तो प्रधान जी निकल आए। ओ कबड्डी कबड्डी ना गया, नहीं गया अभी,
बेटे जीत गया, बहुत बढ़िया। भाई हम भी छोटे थे किसी टाइम पे, हम भी खेला करते थे इसी प्रकार से। अब तो वक्त बदल गया, दौर बदल गया, जज्बात भी बदल गया, सब कुछ बदल गया और मौसम बड़ा अल्टीमेट हो रहा। लेकिन ये है कि बारिश नहीं हो रही है बस। अभी थोड़ी देर पहले आंधी चल रही थी तो थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन अब थंब पड़ गया। मतलब बारिश कभी भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी पूरे 101% है इस समय। और बच्चे खेल रहे हैं छत पर और अपन कर रहे हैं ब्लॉग शूट। गाइस एक प्रॉब्लम और चल रही है मेरे आईडी पर। मेरी आईडी में ये दिक्कत चल रही है इंस्टाग्राम की पे कि कुछ भी उसके अंदर ऑन नहीं हो रहा। ना ही मैं मैसेज देख सकता, ना ही नोटिफिकेशन देख सकता, मतलब सारा ही सब कुछ ब्लैंक सा हो गया है। अब समझ में नहीं आ रहा कि आईडी में दिक्कत चल तो चल क्या रही है। अब मैंने उसमें इंस्टाग्राम मेटा को डाल तो दिए कि क्या क्या दिक्कत आ रखी है। अब मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा कि मेरी आईडी के साथ होता क्या है, क्योंकि पिछली आईडी थी 10,000 फॉलोवर्स थे, सब बर्बाद, किसी ने हैक कर ली बुरी तरह से। तो अब ये आईडी है जिसमें 4,000-5,000 फॉलोवर्स हैं, अब ये भी आईडी ऐसी फ्रीज हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। बताइए करें तो करें क्या, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। अगर कोई मेरा व्यूअर्स इस चीज़ के बारे में जानता हो है, टेक्नोलॉजी की अच्छी जानकारी रखता है, तो वो मेरे को मैसेज करें कमेंट सेक्शन में जाके, क्योंकि इंस्टाग्राम पर तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि इंस्टाग्राम ही एक माध्यम है जिससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं कि अगर किसी प्रकार की मेरे को दिक्कत आ रही है, आप सॉल्व कर सकते हैं तो अच्छी बात है। और वैसे मौसम तो खुल गया, लेकिन रात को बरसने का लग रहा चांसेस। भाइयों ये है अंधेरा हो गया, देखो पूरे में अंधेरा, ये खाट बिछी हुई है। और अब आगे ब्लॉग नहीं कर पाएंगे शूट, क्योंकि और देखो बारिश का भी थोड़ा थोड़ा मौसम हो गया है, मतलब हल्का झर्रा सा पड़ रहा है बारिश का। और वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। अगर भाइयों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर करके बताना जो मेरा भाई जानता हो इंस्टाग्राम के बारे में। आईडी फ्रीज हो रखी है, रिकवर नहीं हो पा रही है, क्योंकि 15-20 दिन हो गए, ना ही DM खुल रहे हैं, ना ही कुछ भी नहीं चल रहा उसके अंदर, कुछ भी नहीं पता पड़ रहा। तो कमेंट जरूर करें। तो मैं ब्लॉग को करता हूँ यहीं समाप्त। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर watching।